साइटिका क्या है? साइटिका को मुख्य रूप से पैरों में होने वाला दर्द माना जाता है। ऐसा साइटिका नर्व में जलन, दबाव या किसी अन्य कारण से होने लगता है। आपको बताते चलें कि साइटिका नर्व के बारे में, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी, मोटी और बेहद महत्वपूर्ण नर्व तंत्रिका यानी कि नस होती है, जो हमारे कमर के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों में जा पहुंचती है। दर्द की तीव्रता हल्के से लेकर बहुत तेज भी हो सकती है। कई बार तीव्र और जलन वाला दर्द इंसान को परेशान कर देता है। आमतौर पर यह दर्द एक तरफ से पैर में ही पाया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि इसका प्रभाव दोनों पैरों में भी देखने को मिल सकता है। साइटिका को बढ़ावा देने वाली स्थितियाँ हैं डायबिटीज, धूम्रपान, उम्र का प्रभाव, मोटापा और अन्य कई लक्षण भी होते हैं। साइटिका के लक्षण की बात करें तो कमर के निचले हिस्से में दर्द, कूल्हे में दर्द, ऐसा दर्द जो खड़े होने में बाधा डाले, मूत्राशय और आंतों को नियंत्रित करने में अक्षम होना, पैरों पर शून्य होना और कमजोरी महसूस करना, साइटिका के कारण कई होते हैं। आइए देर न करते हुए जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपचार। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गर्म और ठंडे सेकाई से आप साइटिका के सूजन और दस्त से राहत पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्म सेक के उपचार से तनाव ग्रस्त मांसपेशियों को आराम मिलता है, जबकि साइटिका तंत्रिका तब पर दबाव डालती है। ठंडा सेक करने से तंत्रिका के आसपास सूजन कम हो जाता है और दर्द भी आराम मिलता है। आप गर्म या ठंडे सेक के वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म सेक को शुरू करें और ठंडे सेक के साथ समाप्त करें। उसमें आप पानी, कपड़ा किसी भी तरह से कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर गर्म या ठंडे पैक रखें, तब आपको राहत मिलेगी। तब या तक कुछ घंटों तक आपको राहत दे सकता है। साइटिका के अचूक उपाय की बात करें तो लाल मिर्च में कैप्सिसिन नामक एक सक्रिय संघटक होता है, जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करता है। यह पदार्थ, ये नमक न्यूट्रिसिमीटर के स्तर को कम करता है, जो दर्द के संकेतों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो साइटिका होने पर आप लाल मिर्च का सेवन बढ़ा दें। साइटिका के घरेलू उपायों में आप हल्दी और दूध का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आप लहसुन और दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प है कुछ हफ्तों के लिए दिन में 3 बार 250 से 500 मिलीग्राम हल्दी का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले अपने चिकित्सक से भी परामर्श कर लें। 1 चम्मच हल्दी में 1 कप दूध मिलाएं। इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसे उबाल लें, शहद से इस स्वास्थ्य पेय को मीठा कर लें और एक